जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जाप नेताओं ने आज आर्ट कॉलेज पटना के पास मशाल क्रांति सभा आयोजित की। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिना शर्त पप्पू यादव की रिहाई और पारस की पीड़िता को न्याय के साथ पारस व राजेश्वरी अस्पताल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पप्पू यादव की रिहाई के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे, साथ ही अस्पतालों में बिहार की बेटियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सरकार करे। बिहार की बेटियों के इज्जत के साथ पारस और राजेश्वरी अस्पताल ने खिलवाड़ किया है। हमारी मांग है कि बिहार सरकार पारस और राजेश्वरी अस्पताल मामले की सीबीआई जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। वहीं जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने बताया कि मशाल तानाशाह बिहार सरकार के विरोध का प्रतीक है। नीतीश सरकार एम्बुलेंस चोर रूडी और अस्पताल माफियाओं को बचा रही है। पारस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार पारस अस्पताल में हुए रेप कांड की सीबीआई जांच कराए। जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार जन नेता पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे और साथ ही एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करे। बिहार सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल है। आलम यह है कि महिलाएं अस्पताल के आईसीयू में भी सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार सीबीआई जांच करा पारस और राजेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई करे। पूर्व विधायक भाई दिनेश ने मशाल क्रांति सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पारस और राजेश्वरी ने बिहार को शर्मसार किया है। सरकार इस तरह के अस्पतालों को पहचान कर तुरंत बंद कराए। जाप के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पप्पू ने कहा कि बिहार सरकार पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे। हमारे नेता को सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार किया गया है और 32 साल पुराने मामले में फंसाया गया है। इसकी निंदा बिहार ही नहीं, देश नहीं, दुनिया से भी अलग अलग देशों से मैसेज आ रहे हैं और सरकार की निंदा हो रही है। और जो हकीकत में दोषी था उसे सरकार ने कहीं न कहीं पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि पता नहीं अगले की क्या मंशा थी और किस परिस्थिति में उन्होंने इतने भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपा के रखे, जिसके कारण हजारों हजार लोग उस क्षेत्र से एम्बुलेंस बिना तरस गए। गरीब लोग तो एम्बुलेंस के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जो पैसे वाले थे उन्हीं को 2-3 किलोमीटर का 12-15 हजार रुपया चुकाना पड़ता था। तो ऐसे परिस्थिति में जब लोग एम्बुलेंस बिना मर रहे थे, आप एम्बुलेंस अपने घर में छुपाए हुए थे और ऊपर से जो इस कार्य का उद्भेदन किया उसी को आपने जेल भेजने का काम किया। जो लगातार सरकारी अस्पतालों में जो बदहाली थी उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार वो लड़ रहे थे उनको ही जेल में भेजा गया। ये आज पूरे बिहार ही नहीं देश का मुद्दा बन गया है कि पप्पू यादव जी को रिहा करो और साथ में जो हमारा मशाल जुलूस मशाल क्रांति जो था, ये पारस और राजेश्वरी जैसे महंगे हॉस्पिटल जहां गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता है, वैसे अस्पताल में अमानवीय जो व्यवहार हुआ पीड़िता के साथ, पीड़िता के कथनानुसार उसकी माँ के साथ जो दुष्कर्म हुआ, साथ में राजेश्वरी हॉस्पिटल में जो छेड़खानी हुई, इन सब की सीबीआई जांच हो और कार्रवाई हो। और ऐसे हॉस्पिटल जो सिर्फ पैसे पर जिंदगी को फैसला करता है, मौत और जिंदगी का, इन सभी हॉस्पिटलों पर रोक लगना चाहिए, इनका सरकार अधिग्रहण करे। साथ ही साथ जो पीड़ित है उसको मुआवजा के तौर पर 50 लाख रुपया भी दे। जी पत्र लिखा, लगातार लिखा भी जा रहा है और जवाब आया उधर? नहीं, अभी जवाब नहीं आया है और उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे आदरणीय नेताजी का जो कार्य कलाप रहा उसको जरूर वो देखेंगे और जवाब